हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीपल यूट्यूब। और आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूं एक बार फिर से एक और एजुकेशनल किट, जहां पर हम बनाएंगे एक रोबोटिक आर्म। जी हां दोस्तों, ये जो किट आपको दिख रहा होगा यहां पे टॉय बॉक्स की तरफ से आता है। टॉय बॉक्स जो है काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी अच्छे अच्छे इसके आइटम्स हैं। इससे पहले ऐसे कुछ आइटम आपने देखे होंगे स्मार्टिविटी या और कोई ब्रांड के, बट टॉय बॉक्स भी है अब ऐसे आइटम बना रहा है। और ये जो रोबोटिक आर्म है बहुत ज़्यादा मेरे को एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंजेक्शन जो है वो यूज़ हो रहे हैं, मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये वर्क करता है लास्ट में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और हम कोशिश करेंगे इससे बनाने के बाद में कई चीज़ें लिफ्ट करने की, देखेंगे कि भाई कितना भारी आइटम लिफ्ट कर सकता है, कितनी दूर तक कर सकता है, दाएँ बाएँ होता है कि नहीं होता है। काफ़ी मज़ेदार आ रही वीडियो, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओह, तो ये है हमारा बॉक्स भाई, H2O रोबोटिक आर्म। आपको दिख रहा होगा बॉक्स की डिटेल। सबसे पहले 153 पीसेस, मतलब ये छोटे छोटे पीसेस होते हैं, सबको मिला के ये बोल रहे हैं। टॉयज बॉक्स की यहाँ पे ब्रांडिंग आपको दिख रही होगी। एज यहाँ पे 8+, STEAM एजुकेशन के ऊपर भाई इनका मॉड्यूल है, मेड फ्रॉम MDF का है, DIY किट भी है भाई, सब कुछ है ये, मतलब कह सकते हो आप। पीछे आपको दिख रहा होगा प्यारा सा पिक्चर, यहाँ पे हाउ टू प्ले, कैसे इससे आपको खेलना है और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ डिटेल्स दी गई है भाई। YouTube वीडियो वगैरह भी देख सकते हो कैसे आपको बनाना है। और प्राइस अगर कहीं लिखी हुई है तो आपको ज़रूर बताएंगे प्राइस है इसका कितना, 1200 रुपये। थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है मुझे, आमतौर पर बाकी किट इस तरह के जो होते हैं वो थोड़े से सस्ते आते हैं। अब जल्दी से इसकी पन्नी को हटाएंगे और जो इसके अच्छे वाला पिक्चर है ना, मतलब पन्नी में धूल वूल लग जाती है तो इसलिए थोड़ा सा दिखता नहीं है सही से। अब आपको दिखेगा ये चमकार, वाव, अब चमक रहा है भाई ये बिल्कुल। बॉक्स खोलते हैं, कंटेंट्स देखते हैं। सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और ये भी मुझे काफ़ी सही लग रही है। ओ हो, डिटेल्स बहुत अच्छे से इन्होंने बताया गया है। और यार मुझे लगा बहुत मोटी होगी, आम से स्मार्टिविटी की बहुत मोटी मोटी आती है, ये बहुत मुझे लग रहा है कि बहुत पतली सी है। ओके, और MDF के बोर्ड, ओके, अरे सिर्फ एक शीट है यार, एक है कि दो है, दो शीट है, एक इसके पीछे है। ओह, दो शीट में बन जाएगा क्या? और ये इसके भाई हिस्से पुर्जे दिख रहे होंगे आपको, कितने सारे इंजेक्शन है भाई इसके अंदर, ये रबड़ वगैरह, और ये कुछ पाइप्स वगैरह भी दी गई है। और ये क्या चीज़ है भाई, ये दो लीवर्स भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं। चलिए ये खाली हो चुका है, ये इसको ऐसे सजा लेना आप फोटो फ्रेम करके घर पे, मैं बनाता हूँ इस गेम को जल्दी से जल्दी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनली बन चुका है हमारा रोबोटिक आर्म, जो कि हाइड्रोलिक प्रेशर के ऊपर काम करता है।
अब यहाँ पे दोस्तों क्या प्रॉब्लम मेरे सामने आ चुकी है कि यार आम तो बन गया और उसी समय देख रहा हूँ कि भाई एक सोलर डॉग जो है वो इस घर के ऊपर फंस गया है। अब इस बेचारे डॉग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्योंकि इसीलिए तो हमने इसको बनाया है इतनी मेहनत से। तो जल्दी से इसे मैं निकालता हूँ यहाँ पे ताकि आपको भी मजा आए और देखेंगे भाई किस तरह से वॉक करता है और रियल में काफी मजेदार है। चलिए इसे यहाँ से निकालते हैं। चलिए दोस्तों आप जल्दी से लेके चलते भाई रोबोटिक आर्म को। सबसे पहले से इस तरफ करता हूँ। ओके ये, अरे ये तो इससे टकरा रहा है, मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा। एक मिनट। ओके ओके ऊपर हो रहा है, ऊपर हो रहा है। ओके ये दूसरी वाली सिरिंज से ये ऊपर हो गया दोस्तों। ओ हो मज़ा आ गया भाई, पहुँच गया डॉग के पास में। अब इसे थोड़ा सा भाई लेफ्ट राइट और करना पड़ेगा। तो इसे ओ डॉग के ऊपर लेके चले गए हम। गुड। डॉग के ऊपर चला गया दोस्तों। अब इसको खोलना पड़ेगा, इसके फेस को जल्दी से ऐसे भी खोलता हूँ मैं। ओके खुल चुका है दोस्तों इसका आर्म। अब इसे वापस से, ओके नहीं वापस नहीं जाना, इधर जाना है। अब इसे वापस से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ऊपर करके थोड़ा सा नीचे करता हूँ और इसे क्लोज कर लेता हूँ। थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा दोस्तों मुझे लगता है, नहीं ऐसे नहीं होगा। थोड़ा सा मैं इसे क्या करता हूँ, ऊपर करता हूँ वापस से। ओके थोड़ा सा इसे और खोलना पड़ेगा दोस्तों, और अब जो है इसे मैं क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। फंस गया क्या? ओके अब इसे लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। वेट से लिफ्ट करते हैं दोस्तों। ओह लिफ्ट हो चुका है दोस्तों ये बिल्कुल। अब इसे थोड़ा साइड लेके चलते हैं। ओके गिरना मत दोस्तों, ये तो हवा में तैर रहा है। अरे अरे भाई इधर नहीं, इधर लेके जाना है। ओके इसे नीचे उतारना पड़ेगा बहुत ही ध्यान से। ओके ये नीचे उतर गया है, नीचे। ओके अब ये इसको मुंह को खोलना पड़ेगा। खोल, छोड़ दे। यस वेरी गुड। यस। डॉग हमारा बिल्कुल सेफ हो चुका है दोस्तों, मजा आ गया। Thank you.
तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह से मैंने यहाँ पे कई आइटम जो है इससे उठाया और वाकई में मुझे मजा आया इसके साथ में, क्योंकि ऐसे बनाने में काफी मेहनत लगी, खासकर कि ये जो आप इंजेक्शन में पानी भरते हो प्रेशर बनाने के लिए, ये आपको बहुत सोच समझ के मतलब भरना है इसमें, और देखना है कि भाई जब एक बंद रहे तो दूसरी टाइप से खुला रहेगा तभी जो वो है पानी इसमें सही से जो है फिल होगा। दूसरा, बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। बस एक ही चीज यहाँ पे बताऊंगा जो मुझे थोड़ा सा मतलब इंप्रूवमेंट हो सकता था यहाँ पे, वो क्या कि यार एक पार्ट जो है मेरा ना टूट गया था यहाँ पे, और उससे मुझे इतनी दिक्कत हुई क्योंकि वो मेन पार्ट था और उसका रिप्लेसमेंट भी इसके पास नहीं था। तो काफी बार ऐसा हो जाता है कि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है तो यार एक दो स्पेयर भी देने चाहिए, नहीं तो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाता। बट मैंने किसी तरह उसको फेविक्विक वगैरह से जोड़ जाड़ के भाई उसको सेटल किया और ये जो प्रोजेक्ट है इसको वर्केबल किया। ओवरऑल यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाना। मैं जल्दी मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।